अगर आप सोच रहे हो iPhone 14 है तो आप बिल्कुल गलत हो। Hey guys, मेरा नाम मनीष, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है iPhone 14 बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है और आज हम बात ये भी करने वाले हैं कि आपको लेना चाहिए क्या नहीं और ये क्या iPhone 13 से क्या क्या आपको अच्छी चीजें फीचर दे रहा है, क्या क्या आपको मतलब बेनिफिट देने वाला है, क्या आपको अपने इसमें पैसे वेस्ट करने चाहिए नहीं, क्या आपको इस फोन का इंतजार करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन उठ के आता है। तो इसका भी जवाब बहुत जल्द आपको वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर हम पहले रूमर्स की बात करें उसके साइज से रिलेटेड, गाइस रूमर्स ये आ रखी है जो iPhone का बेस मॉडल है मतलब iPhone 14 का बेस मॉडल है उसका साइज होगा 6.1 इंच, मतलब जो प्रो मैक्स है उसका होगा 6.7 इंच, जो कि मतलब थोड़ा इंक्रीजमेंट है पहले मॉडल के मुकाबले, तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है अगर ये आता है तो। और जो अगला रूमर्स है ना वो काफी ज्यादा कमाल का, मतलब लोग उससे काफी ज्यादा खुश भी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता ही आईफोन 10, 11, 12, 13 इन सभी में नोच आते हैं, भले इनकी प्राइस 1.5-1.5 लाख 1-1 लाख तक की हो पर भी नोच एक मिलता है, जो कि मतलब आजकल सारे स्मार्टफोन में नोच हटा चुका है, वहां पर आईफोन नोच के साथ आता था। ये पर जो आईफोन 14 है वो लोग कह रहे कि ये नोच लेस डिस्प्ले होने वाली, तो भैया ये काफी खुशी की बात है। देखते हैं ऐसा इंप्रूवमेंट करता है तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस बार ग्राहकों को भी, मतलब हम जैसे फोन लेने वालों को, हम जैसे कि जो आईफोन लेने वाले हैं, जो आईफोन लवर है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। और इसमें आपको मिलने वाली A16 बायोनिक चिप, जो कि मतलब काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में बेटर है अगर हम कंपेयर करें A15 बायोनिक चिप से, जो कि मतलब काफी ज्यादा एडवांटेज होगा और काफी ज्यादा स्पीड आपको देगी, तो मजा आने वाला अगर ये आता है तो। भैया आईफोन 14 में तो नोच तो हट गया, जो कि मतलब सबसे बड़ी दिक्कत थी, पर उसकी जगह इसमें पिल शेप का कैमरा कटआउट आएगा जिसमें फ्रंट कैमरा वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। कह रहे इस पिल शेप का साइज छोटा होगा, कुछ कह रहे इसका साइज नोच के बराबर होगा, ये आपको कुछ डिजाइन की मैं आपको फोटो वगैरह लगा दूंगा वीडियो पे, तो आप देख लेना। देखते ये तो वक्त आने में पता चलेगा कि कैसा आता है और कैसा जब ये लॉन्च होगा, ये तो उसी टाइम पे पता होने वाला है। व्यूअर्स तो ये भी कह रहे जो आईफोन 14 का डिजाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, देखते ये वक्त आने में पता चलेगा। और साथ ही साथ जो इसकी प्राइस है वो आईफोन 13 से कम है, तो ये भी एक देखने वाली चीज है। और इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X65 मॉडेम, जो कि मतलब 5G है, जो कि आपकी बैटरी एफिशिएंस काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इसी के साथ इसमें लोग ये भी कह रहे कि जो इसकी बैटरी लाइफ है वो आईफोन 13 के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो भैया काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर लाके दे रहा है। चलो ये तो तभी पता चलेगा जब लॉन्च होने वाला है, आप इसका इंतजार जरूर कर सकते हो। अगर आप एक आईफोन लवर हो, आपको टाइम टू टाइम आईफोन के साथ अपडेट रहना पसंद है, तो आप बिल्कुल इसका इंतजार कर सकते हो। वो तो आप प्राइस वगैरह और बाकी सच्चाई तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। आज की वीडियो में आपको कुछ मैंने ऐसी बेसिक रूमर्स बता रखे जो कि मतलब चेंज होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम ऐसी टैक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।